Bande Guru Padadandam Bhaktavinda Samannitam Sri Chaitanya Prabhu Bande Nitya Ananda Sahoditam Sri Nanda Nandanam Bande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Vancha kalpataru vasake pass in the vevacha. Patitanam pavuni babishna bibyo namunama. Mukankaroti vacha lang pangung lang haitagirim. Yat ki patam hangabandi parama ananda madam. Brindavai tulsi de bai piavai kesavasaja. Snavakti pade devi sattavatvai namunama. Narayana namaskritta naranchaiva narottamam Deving swarasvati vyasam tato jayo mudir Sankirtane krishna kathopadesha Gauriya patrasya prakasanecha Sadhana rakta guru bhakti yukta Bhakti pramadakcha jagod baranyo Deyam sada paribhavagnam avishtaduhum Tirthas padam siva virunchanutam saranyam Vitatiham panatapal bhavadiputam Bande mahapurusati charunar vindam Yat pada pallavanakachandamani chataya Bispurjita kimapiga pupadu swadarsh Purnanuragara sasagara saramurti saradhikamai kada kipam karish Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadihi Gaura Bhakta Bindu Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadihi Gaura Bhakta Bindu Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Ajanulambita Bhujau Kanuka Buddhato Sankitanai kapitaru kamala yataksha Visham baru dijabaru jugodhar mapalo Bande yagat priyakaru karuna bataro Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare Hare Namami Gange Tava Pada Pankajam Sura Surair Vandito Dibba Rupam Bhuktim Cha Muktim Cha Dada Sinityam Bhavanurupena Sada Naranam Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tobam bhagam Narayano priyamananga madapaharam Varanasi purapati bhajavishanatham Vagisha yasya vadane Lakshmir yasya cha bhakshasi Jasyasthi hide sambhit tvam nishingamaham bhaje Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna tadiya pada pankajo panjaranta raddaiva me visatu manaso rajahamso
प्राण प्रणाय प्रणायन समय कफ बात पृथ्वी कंठावरोधन विधौ भजनम कुतस्ते कृष्ण तदीय पद पंकजो पंजरांत हृदैव मे विशतो मनसो राजहंस प्राण प्रणाय प्रयान समय कफ बात पृथ्वी कंठावरोधन विधौ भजनम कुतस्ते गौड़ीय गोष्ठीपति गौड़ीय गोष्ठीपति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए अनुग्रह और निग्रह दोनों ही भगवान का कृपा है। अनुग्रह और निग्रह गुरु वैष्णव का भी अधिकार है अनुग्रह निग्रह करने में। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए अनुग्रह निग्रह दोनों ही भगवान का कृपा। गुरु वैष्णव का अनुग्रह निग्रह करने में अधिकार है और जैसा भी हालत में रहे भगवान का कृपा समझकर खुश रहना चाहिए। गुरु वस्तु ब्रह्म वस्तु है, अगर गुरु दर्शन नहीं हुआ भगवत दर्शन होने का कोई चांस ही नहीं है। अगर गुरु दर्शन नहीं हो पाया भगवत दर्शन होने का कोई चांस ही नहीं, कोई संभावना नहीं। गुरुपाद पद्म ब्रह्म वस्तु है, बृहद वस्तु है और हम लोग लघु से भी और लघु, इतना क्षुद्र प्राणी है, इतना क्षुद्र जीवात्मा है कि सोचा जाए तो शर्मिंदा होना पड़ता है। उस दिन चर्चा हो रहा था अगर हर वस्तु हर व्यक्ति हर चीज को अनंत देव का बैकग्राउंड में देखने का कोशिश करे, हर वस्तु हर व्यक्ति हर चीज को अनंत देव का बैकग्राउंड में देखने का प्रयत्न करे तो इसमें अभिमान बोल के कुछ चीज पैदा होना संभव नहीं। अभिमान बोल के कुछ चीज पैदा होना असंभव है। जैसे कि श्लोक दे के शुरू किया था, कृष्ण तदियो पद पंकज भंजनांदे अद्वैव मन मे विशतु मनसराज हंस, ये एक बड़ा भक्त है, एक बड़ा भक्त है कुलशेखर जी, दक्षिण भारत के राज, बहुत बड़ा भक्त। इसका अनुभव इतना बड़ा है, इतना ऊंचा है कि भगवान बहुत संतुष्ट है। ये तमाम जिंदगी भजन की राजा तो थे, उसके बाद सब छोड़ दिए, सब देख लिए क्या परिणाम है क्या किच है, सब कुछ सब देख लिए, उसके बाद सब छोड़ दिए, जा देख लिया क्या मजा है इसमें, राजा होने में क्या मजा है, हैं तमाम प्रजा को बस में रखने का क्या मजा है, सारे देख लिए और नहीं। इसके बाद इतना डुबकी लगाया भजन में कि पत पूछो। सबसे बड़ा बंधन किसमें है, प्रभुपाद जी कहते थे, प्रभुपाद जी कहते थे सबसे बड़ा बंधन किस में हो सकता। सबसे बड़ा बंधन है दृश्यमान जगत को अपना बस में रखने का, जो काबू में रखने का जो प्रयास प्रचेष्टा है, ये सबसे बड़ा बंधन का जबरदस्त बंधन का कारण बन जाता है। दृश्यमान जगत को अपना बस में अपना काबू में रखने का प्रयास प्रचेष्टा ये सबसे बड़ा बंधन का कारण बन जाता और इससे छुटकारा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर आदमी का यही प्रयास प्रचेष्टा है सारी मेरा कंट्रोल में रहे,
सारे मेरा काबू में रहे, सबको ही खा, डोमिनेटिंग पावर, ये चाहता है कि हमारा बस में रहे, काबू में रहे। ये मायादेवी का एक विशेष व्यवस्था है। संसार में पत्नी चाहती है कि स्वामी मेरा बस में रहे, लड़का लड़की सारे मेरा बस में रहे, स्वामी पिता चाहता है। ऐसा करके हिरण्यकशिपु जैसा हृदय है तो ये चाहेगा कि दुनिया मेरा बस में रहे, ये तो स्वाभाविक है। प्रभुपाद कह रहे हैं यह हम लोग लघु वस्तु है, क्षुद्र वस्तु है। जब तक इस बात का अनुभव नहीं होता था, जब तक इस बात का अनुभव नहीं हो पाता कि हम इतना क्षुद्र है, ये हमसे क्या हो पाएगा, भजन तो दूर की बात, भजन क्या हो पाएगा अगर ये क्षुद्र, ये क्षुद्रता, हम जो क्षुद्र है इसका अनुभव हो जाए तो भजन का रास्ता खुल सकता है। क्योंकि पहले भी बहुत बार चर्चा हो चुका है, अवरोहपन था आरोहपन था। अवरोहपन था मैंने बस में भगवान का कृपा को ऊपर भरोसा रखना, गुरु वैष्णव का कृपा का ऊपर भरोसा रखना। आरोहपन था का मतलब है मैं खुद अपना प्रयास प्रचेष्टा के द्वारा भगवान को समझ ले। और इसका बारे में ब्रह्मा जी भी बताए, ये ज्ञाने प्रयास मुदपाश्व नमंति एव जीवंति सन्मुख रीतम भवदीय वर्त, ये सब प्रयास प्रचेष्टा ब्रह्मा जी अभी उपलब्धि अनुभव किए, उसका बाद पूरा ज्ञाने प्रयास मुदपाप छोड़ रहे। तो ये अनुभव जरूरी है कि भगवान और भगवान का भक्त है, जो गुरु तत्व है, गुरुपाद पद में बृहत और बृहत बृहत से भी बृहत है, इतना बृहत है। और जीवात्मा लघु से भी लघु है, इतना लघु है कि पता नहीं चलता। गुरुपाद पद्म का सेवा करने से हमारा बंधन छूट जाता है, क्योंकि गुरुपाद पद्म प्रेडोमिनेटिंग एब्सोल्यूट भगवान है, प्रेडोमिनेटेड एब्सोल्यूट गुरुदेव है, राधा रानी है गुरुदेव। और बृहद बच्चों का सेवा भगवान करते रहते हैं, इसलिए वो भी बृहद है। गुरु का सेवा करते करते तन्मय हो जाता है शिष्य, उस दिन चर्चा हुआ था। गुरु का सेवा करते करते शिष्य तन्मय हो जाता है, वो स्वयं गुरु बन जाता है, यही स्वाभाविक व्यवस्था है। गुरुपाद पद्म आश्रय जतियो ब्रह्म वस्तु है, गुरुपाद पद्म आश्रय जतियो ब्रह्म वस्तु है। और तद आश्रित शिष्य लोग जो है, जो आश्रय लेता है गुरु जी का, ऐसे ही गुरु जी का अनुभव लेके सेवा करना चाहिए उन लोगों को। हम अपना रास्ता में चले और गुरु जी का दिखाया हुआ रास्ता एक है, अपना रास्ता में चले और सोच ले क्या गुरु जी तो संतुष्ट है ही है मेरा ऊपर। गुरु जी दिखा रहे हैं ये रास्ता है भजन मार्ग में चलने का, ये रास्ता है, और हम क्या अपना रास्ता में चल रहे हैं और सोच रहा है कि गुरु जी तो संतुष्ट है ही है मेरा ऊपर। इसको ऑटो सजेस्टिव मेथड बोल रहा है, ये चलता नहीं भजन राज्य में, ये चलेगा नहीं बिल्कुल। प्रभुपाद कहते हैं गुरुजी एक रास्ता दिखाया, हम अपना मनमानी चलना शुरू कर दिया, इसमें भक्ति तो दूर की बात है, अभक्त बन जाएंगे। तमाम बद्धो जीवों का ये दर्शन खोटा है, विश्व दर्शन है, जगत दर्शन तमाम बद्ध जीवों का यही है
वो अपना दोष को देखने में असमर्थ है। कल चर्चा करेंगे इस विषय। हर वक्त दुनिया का दोष दर्शन करने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। विश्व दर्शन जो है, जगत दर्शन, इसका नाम ही संसार है। क्यों ना ये चीज को समझ ले पहले। विश्व दर्शन जो है इसका नाम ही संसार है, जगत दर्शन इसका नाम ही संसार है। और संसार जीवों का स्वरूप में है नहीं। सदगुरु का सेवा, समदर्श गुरु का कृपा के द्वारा जब कुदर्शन हमारा गुरु जी सिखाया, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने भी सिखाया, जब सुदर्शन गुरु जी का कृपा हो जाए, सुदर्शन का कृपा हो जाए, तो कुदर्शन जगत दर्शन समाप्त हो जाता है, कुदर्शन नहीं रहता है। इसलिए सुदर्शन के साथ प्रार्थना करना है हर रोज, जब मेरा कुदर्शन जगत दर्शन खत्म कर दो, काट दो। जगत दर्शन मतलब भोग्य दर्शन। तमाम जीवों का जो जगत दर्शन है, इसका माने क्या है? इसका माने भोग्य दर्शन, एंजॉइंग मूड, टू सी एवरीथिंग विथ एंजॉइंग मूड, भोग करने का प्रवृत्ति लेकर जगत को दर्शन करना। ये संसार, ये जगत दर्शन है, ये बंधन का कारण है, सबसे बड़ा तागड़ा बंधन का कारण है। लेकिन गुरु वैष्णव का उठना बैठना, खाना चलना सोना, किसी भी भावना, कुछ भी क्रियाक्रम, सब भगवत चरण में समर्पित है। इसीलिए बाहरी दृष्टि में देखने में एक ही क्रम है, हम भी तो देख रहे हैं, हम भी तो सोच रहे हैं, हम भी तो कर रहे हैं, लेकिन एक एक जैसा लगता है, लेकिन एक नहीं है, बंधन का कारण बन जाता है। भोग्य दर्शन से छुट्टी लेना ये सबसे बड़ा जन नरोत्तम ठाकुर कीर्तन में बताया, आर कवे निताय जादेर कोरोना हईबे, विषय वासना मोर कवे तुच्छ हबे, संसार वासना मोर कवे तुच्छ हबे, विषय छाड़िया कवे शुद्ध हबे मन, कवे हम भेरबो सी वृंदावन। नरोत्तम ठाकुर जैसा इतना चंपक लता, इतना बड़ा महात्मा है, भगवान का निजी जन है, वो दैन्य भाव लेकर सिखा रहे हम लोगों को। ऐसा करके गुरु दर्शन के बारे में बद्ध जीव का ऐसा भावना है, अरे गुरु जी ठीक है, हमसे थोड़ा बड़ा है, उसका ज्ञान ज्यादा है, ये और क्या है, एक ही तो है। एक दफे याद है पंजाब में, ये मठ में ही हमारा परम पूज्यवाद अभिन्न गुरुपाद माधव गुस्सी महाराज जी, एक दफे हम देखा एक माता जी गुरु जी का चप्पल लेके बाथरूम जा रहा है। हम बोले क्या कर रहे हैं आप, ये तो गुरु जी का है, गुरु जी का, वो तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, हम दे देंगे ना, ये दर्शन है, गुरु दर्शन। हम तो हंसी उड़ाया, क्या बात है, अरे हमसे थोड़ा बड़ा है, बड़े बूढ़े है, बुजुर्ग है, ज्ञान में थोड़ा ज्यादा, और क्या है, पूरा दुनिया में सबसे बड़ा हंगामा मचा कर रहा है, एक चीज है, ये कोई समझ नहीं रहा है, सारे फिलोसफी मुखस्त कर रहा है लेक्चर देने के लिए, भाषण देने के लिए सब मुखस्त कर रहा है, फिर दर्शन, गुरु दर्शन ही नहीं है पूरा दुनिया में, सो राकानुग रागानुगो रूपानुगो ये सब चर्चा कर रहा है, गुरु दर्शन नहीं है। इसलिए ये हमारा गुरुजी है, ये वो उसका गुरु, उसका गुरुजी उतना नहीं है, हमारा गुरुजी कितना विद्वान है, उसका गुरुजी अंग्रेजी जानता नहीं, हमारा गुरुजी अंग्रेजी जानता नहीं, हमारा गुरुजी ये जानता नहीं, हमारा गुरुजी का ये खोटा है, ये तो गुरु दर्शन नहीं है। जो गुरु है उसका वो कंप्लीट दर्शन चाहिए। मेरा गुरुजी बंगला जानता है, हिंदी जानता है, अंग्रेजी थोड़ा कम जानता नहीं, हमने बोलने, हम तो बोलते सुना है वृंदावन में, बड़ा विद्वान, जगतवासी उसको बोलता है बड़ा विद्वान।
वो नाम का दरकार नहीं, वो चर्चा हो रहा था। हम सोचा कि सचमुच हो सकता है विद्वान, हमको भी बड़ा श्रद्धा करता है और ठीक है। एक दिन चर्चा हो रहा था प्रभुपाद का, बोले प्रभुपाद जो है सब ठीक है लेकिन प्रभुपाद का मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा, इसलिए देखो क्या हुआ। हम बोले क्या बात है, ये गुरु जी का दर्शन ही नहीं है, गुरु दर्शन ही नहीं है। प्रभुपाद जी का मैनेजमेंट थोड़ा कमी था, ये है गुरु दर्शन है। ऐसा करके हम लोग कभी भी अनंत काल अपेक्षा करें तो कभी भी हमारा गुरु दर्शन अगर नहीं है तो भगवत दर्शन होना संभव नहीं है। बिल्कुल ये समझ के रखना, पक्का इसमें कोई शक नहीं है, संदेह नहीं है। अर्जुन यहां तो एक बद्धजीव का भूमिका में है, तमाम जगतवासी का तरफ ओर से, तमाम जगतवासी का ओर से अर्जुन एक भूमिका में, अर्जुन को एक भूमिका में भगवान खड़ा कर दिया। यहां भी सच्चा कहे तो अर्जुन का पहले से लोग कर शुरू किया, मैं युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध करने का इच्छा नहीं, नहीं नहीं इच्छा नहीं, सब कुछ है, कैसे युद्ध करे, ये सब लेकर धीरे धीरे आगे चल के स्वाधी मम तम प्रबण्यम इत्यादि बहुत सारे बात कहे और उसका बाद उपदेश सुने भी हैं, उसका बाद और प्रश्न भी किए हैं, सारे तमाम विचार धीरे धीरे करे तो देखा जाए अर्जुन का गुरु दर्शन जो है अभी पक्का हो रहा है धीरे धीरे। अरे अर्जुन नित्य पार्षद है, अर्जुन का कोई दोष नहीं रख सकता, नर नारायण है ये तो है ही है, लेकिन अर्जुन का स्टेप बाय स्टेप गुरुदर्शन पूर्ण है। पहले जो हुआ था जो स्वाधिमान तम प्रपन्न गुरु दर्शन नहीं था, स्वाधिमान तम प्रपन्न ये तो गुरु दर्शन का प्रिलिमिनरी है, बोला ठीक है आपका चरण में शरणागत है, स्वाधिमान हमको सिखाओ आप। इसे लेकर धीरे धीरे आगे चलकर अभी तक ये जो आया है, इस अवस्था में अर्जुन का जो ये जो विश्वरूप दर्शन का हो रहा है, विश्वरूप दर्शन हो रहा है और गुरु वैष्णव जो है, गुरु वैष्णव जो है हर वक्त संसार का क्या परिणाम है, परिणामदर्शी, आई बात समझ में। गुरु वैष्णव का जो अनुभव है ये अनुभव के द्वारा हमारा अनुभव हो सकता है अगर कृपा मिले तो। गुरु वैष्णव का हर वक्त अनुभव है, ये जगत संसार अनित्य है, नाशवान है, तमाम आदमी देख रहा है, कोई आनंद से झूम रहा है, कोई दुख से मर रहा है, आत्महत्या करना चाहे, सारे दुनिया का ये जो चीज है सब देख रहा है गुरुजी। ये विश्व दर्शन जो है, ये विश्व दर्शन जो है विश्व को देख रहा है गुरुजी। ये विश्व दर्शन बद्धजीवों का जगत दर्शन का मुताबिक नहीं है। बद्धजीवों का जो जगत दर्शन है, पहले ही बताया आप भूल जाते हो, विश्व दर्शन जो है बद्ध जीवों का, इसमें इसका एंजॉयिंग मूड है, विश्व को भोग करने का, तमाम चीज हमारा भोग का समान है, तमाम वस्तु व्यक्ति जितना सारी चीज है, जो दिखाई पड़ता जो नहीं दिखाई पड़ता सारे मेरा भोग का समान है, एंजॉयिंग हमारा एंजॉयमेंट का समान है। लेकिन गुरु का दर्शन है जगत में जो कुछ भी चीज है, कोई भी चीज है, कुछ कोई भी चीज, व्यक्ति वस्तु सारे भगवान का सेवा का समान है, ये दोनों में फर्क है। गुरुजी जगत का ये जो बद्ध जीव, अगर गुरुजी का जगत दर्शन थोड़ा नहीं है तो कैसे बद्ध जीवों का सुख दुख का बारे में कैसे पता चले, इसका बारे में पहले भी बहुत चर्चा हो चुका, बहुत गंभीर मसला है। इसमें अगर गुरुजी अगर ना समझे
गुरुजी अगर हमारा दुख न समझे, परदुख दुखी सनातनम, ये सब श्लोक चर्चा किया था, याद है ना, है वैराग्य योग भक्ति रसम प्रयत्न रपायत माम अनुभिक्षुमांधम, अनुभिक्षुमांधम हुआ था ना चो चर्चा, परदुख दुखी त्वं सनातनम प्रभु, त्वं प्रभु माश्रयामि, ये सनातन गोस्वामी के चरण का आश्रय लेने का, सनातन गोस्वामी संबंध ज्ञान का गुरु है, संबंध ज्ञान का गुरु दिखाया संत सनात महाप्रभु जी ने, इंडिकेशन इंडिकेशन दिया, इंगित किया संबंध ज्ञान का, क्योंकि महाप्रभु जी जो सनातन उपदेश है उसमें संबंध ज्ञान का विशेष है, अविदेय ज्ञान का विशेष है, अविदेय थोड़ा बहुत टच है इसमें, लेकिन रूप गोस्वामी का जो उपदेश है, रूप गोस्वामी का गोस्वामी जी का प्रति, ये अविदेय का विशेष है, जो भी है सनातन और रघुनाथ दास गोसाई का प्रयोजन तत्व का विषय गंभीर मसला है। कहने का मतलब है अगर गुरुजी, अगर गुरुजी हमारा दुख ना समझे तो कैसे उसका अंदर में करुणा का करुणा आ सकता, हमको उद्धार कैसे करे। वैष्णवेरो निवेदने कृष्ण दयामय, वैष्णवेरो निवेदने कृष्ण दयामय एहनो पामर प्रति हईबेन सदा, याद है ना ये कृष्ण, वैष्णवेरो आवेदन है, वैष्णव मेरे लिए, क्योंकि बद्ध जीवों के साथ भगवान का कंटेक्ट नहीं हो पाता, बद्ध जीवों के साथ भगवान का कंटेक्ट नहीं हो पाता, भगवान इस भूमिका में है, लेकिन गुरु जी ऐसा करके एक लीला प्रकट किए, गुरु जी भी वैकुंठ भूमिका में है। ये क्वेश्चन जीवों के बाद ने समाधान किया, बड़ा गंभीर मसला, किसी ने तर्क उठाया, ठीक है आप कहते हो कि भगवान वैकुंठ भूमिका में है, बद्ध जीव जड़ भूमिका में है, उसका साथ कॉन्टैक्ट कैसे हो पाता, ठीक सही बात है, लेकिन ये बात भी तो पक्का है, आपने जो गुरुदत्व बताया बार बार उसमें भी तो ये साबित होता है कि गुरु जी भी वैकुंठ तत्व है ना, बोले हाँ सर तो वैकुंठ तत्व है, तो ये गुरु जी कैसे बद्ध जीव के साथ कॉन्टैक्ट करे, एक सवाल आया था जीवों को सही बात, इसका समाधान की, बड़ा अद्भुत प्रश्न है। ठीक, आप तो कहें कि भगवान और गुरु तो अभिन्न है, वो हैं अभिन्न है, होते हुए भी अद्वैत ज्ञान तत्व है भगवान, और अचिंत्य भेदाभेद तत्व का अनुसार गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं है, एक ही है, फिर भी भेद है, भेद नहीं है फिर भी अचिंत्य भेदाभेद तत्व के अनुसार ये भगवान का ही एक अद्भुत व्यवस्था है, ये भगवान का ही एक अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, भगवान का साथ बद्ध जीवों का कंटक्ट होना असंभव है, भगवान जानते हैं, इसीलिए भगवान अपना आदमी को गुरु को वैष्णव की जगत में भेजा है बद्ध जीव को उद्धार करने के लिए। आज इस भूमिका में अगर सोचे कि गुरुदेव वैकुंठ भूमिका में नहीं है, ये भी अपराध है, और अगर सोचे कि गुरुदेव वैकुंठ भूमिका में है, तो ये सवाल आता है कि ठीक है गुरु जी अगर वैकुंठ भूमिका में है तो उसको कैसे पता चलेगा हमारा सुख दुख के बारे में, कि आप बोलते हो वैकुंठ भूमिका साथ जड़ जगत, ये सही बात है, सही बात है, कैसे हो सकता है। इसका समाधान जीव गोस्वामी पाद जी ने किया है, जे ये जगत में विचरण करते हुए, भागवत का भी ये श्लोक का बहुत चर्चा किया पहले, जिसका याद है तो सोच के देख ले जरा कृपा करके, जनोश कृष्णाद विमुखोश दैवाद अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाये हो चरन्ति नूनम भूतानि भाव्यानि जनार्दनस्य। भागवत में इसका समाधान, जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात्, जो भगवान का विमुख है, जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य, अधर्म में लगा हुआ है,
अधर्म शिलस्व सुदुखित अधर्म करे तो दुख तो जरूरी है आएगा ही। अधर्म शिलस्व सुदुख सुदुखित अनुग्रहाएह इसीलिए गुरु जी आए हैं जगत में अनुग्रहाएह चरंति नूनम अनुग्रह करने के लिए अनुग्रहाएह चरंति नूनम नूनम माने निश्चितमेव ये विचरण कर रहे जगत में उसका कोई कारण नहीं है। महत विचलनम निनाम गृहीनम दीन चेतसाम निश्चय जानते हो ना इसलो हाँ महत व्यक्ति का कोई अपना कोई स्वार्थ नहीं है। महत व्यक्ति का अपना कोई स्वार्थ है ही नहीं फिर भी दीन व्यक्ति दीनहीन व्यक्ति दरिद्रो दरिद्रो जस्तु असंतुष्टो हैं? जो असंतोष है गरीब परमार्थ का कोई संपत्ति नहीं है ये लुटेरा लूट गया माया देवी का चक्कर में सारे लूट गया अगर थोड़ा बहुत था अगर है तो भी लूट जाएगा भिखारी है। वी आर जस्ट बेगर इन द वे ऑफ परमार्थ पारमार्थिक राज्य में हिसाब किया जाए तो हमसे बढ़कर भिक्षुक नहीं है भिखारी कोई नहीं है। हमारा नंगापन सब कोई के सामने धड़ा हुआ है सब देख ले पारमार्थिक कुछ नहीं है फिर भी अभिमान से कम नहीं है पारमार्थिक कुछ नहीं है। जड़ जगत का फॉर्मूला है ना उस दिन बताया था ना टाइम इज मनी पोपाते कह रहे हैं ये लोग बुर्बक है पागल है छागल है ये जानता ही नहीं टाइम इज परमार्थ एक बूंद एक एक पल भर समय हमारा जा रहा है ये सोचनी चाहिए। जैसे कुलसागर जी ने रोया ना भजनम कुतोस्ते कहाँ भजन हुआ मेरा अब जाने वाला हूँ मैं जा रहा हूँ ठाकुर जी सांस रोक रहा है कंठम घर घुर घुरायते भागवत में बताया अब मरने का समय आ गया सांस रोक रहा है अकंठम घर घुर घुरायते घर घर कर रहा है कंठ वायु नहीं चल रहा है बात एक शब्द बोलने का हिम्मत नहीं है फिर भी बोल रहा है बोलने का हिम्मत नहीं है फिर भी बोल रहा है बोलने का हिम्मत फिर भी बोल रहा है पोता कहाँ है पूती क्या है कहाँ गया लड़का कहाँ है हैं समीर कहाँ गए हो पूछ रहा है। एक कहावत है वो सुंदर एक सेठ जी मरवाड़ी बहुत सेठ जी बूढ़ा पूरा तमाम देश से मैके से आया था उसके बाद पैसा बना लिया बंगाल में कलकत्ता में बस वो आपका धान गेहूँ ये सब का गोला है गोला वो सप्लाई करता है गद्दी में बैठे बैठे गोड्डी में बैठे बैठे 69 साल हो गया और मरने का समय आ गया उस समय में मरने का बिस्तारा में पड़ा हुआ है बुला रहा है हैं कानू कहाँ है समीर कहाँ है सबको बुला बहू कहाँ है सबको बुला सब जॉब सब आ गया देखो सब आ गया तो आपका सामने है ठीक है और फिर टेंशन जता रहा है अरे सब आ गया तो गद्दी में कौन है गद्दी में कोई नहीं है मरने का समय है और उसका भी गद्दी का चिंता है गद्दी को संभाला था ना इतना दिन पूरा जिंदगी में गद्दी को संभाला अपने को संभाला नहीं गद्दी को संभाला अब बोले सब आ गया तो गद्दी में कौन तो होगा कोई आए तो व्यापारी है ऐसा हालत है। विषयी लोगों का बात मत पूछो पैसा वाला जो विषयी है अंधा है कुछ जानकारी नहीं है अंधा बंद ऐसा करके धीरे धीरे पारमार्थिक राज्य में जो एकदम खाली हाथ
जाना है। पारमार्थिक कोई संपत्ति है नहीं, पूरा खाली हाथ। कुलशेखर जी कितना रो रो कर बता रहे हैं कि हम तो अभी जा रहे हैं, अभी हमारा कुछ भी नहीं है। इस अवस्था में कृष्ण तदीय पद पंकज बंजरांते क्या प्रार्थना है, लाजवाब। रद्दैव मे विशतु मनसो राज हंसा प्राण प्रयाण समये कौफ बात पृथ्वी। प्राण वायु जाने का समय आ गया, कप बात पृथ्वी कप बात पृथ्वी के द्वारा कंठावरोधनम विधो, कंठ रोध हो रहा है, रुक रहा है। अब आपका शरण कहाँ है, कैसे आपका चिंतन करे ठाकुर जी, सब गया, कुछ नहीं है, ऐसा अनुभव होना चाहिए। तो गुरु जी का जो दर्शन है, गुरु जी का जगत दर्शन तो है, लेकिन गुरु जी का जगत दर्शन के साथ मेरा जगत दर्शन एक नहीं है। बद्रजीव भोग प्रवृत्ति भोग का भूमिका में है, भोग प्रवृत्ति लेके जगत दर्शन कर रहा है, और गुरु जी का जो जगत दर्शन है वो बद्रजीव को बचाने के लिए भगवत भगवत संबंध के द्वारा जगत दर्शन है। जनस्व कृष्णाद विमुखश्च दैवाद अधर्मशीलस्व सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनम् निश्चितमेव भूतानि भव्यानि जनातनस्य। भगवान का निजी जन है, निजो कार्य नहीं तो वो जान परो घरे, महतेर स्वभाव ही, महत व्यक्ति का अपना कोई काम नहीं है, ये जा रहा है बद्ध जीव को उद्धार करने के, इधर उधर जाता है। अभी ये प्रश्न आता है, ठीक है गुरु जी का जो जगत दर्शन ये एक्चुअल जगत दर्शन नहीं है, जगत ये जगत में बद्ध जीव का जो सुख दुख का मेला लगा हुआ है ये देखने का बाद अगर किसी का अंदर में ये भावना आया कि हम बांचने का कोशिश करें, सोचे कि बस करो ठीक हुआ, इस समय गुरु वैष्णव उसको शोभा भागों के द्वारा उसका दर्शन हो जाए। ब्रह्मांड भूमि के ब्रह्मांड भूमि तो कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद भाई भक्तिलता बीच गुरु का दर्शन हो जाए, गुरु जी बद्ध जीव का दोष देखे, जैसे एक उदाहरण दे नारद जी महाराज, जैसे ये इलाहाबाद त्रिवेणी संगम का रास्ते में जो हमारा बृहद भगवतामृत चर्चा का विषय हुआ अभी अभी जो इलाहाबाद का ये इलाहाबाद इसी इलाहाबाद में नारद जी एक दफे जाते जाते एक व्याध का दर्शन हुआ, याद है ना, एक व्याध का दर्शन हुआ। वो व्याध को बचाने के लिए उसका दुख देख के नारद जी को बहुत अनुभव हुआ, ठीक है उसको बचा लो, बचाने का प्रयत्न किए। ये नारद जी भक्तिराज का आचार्य हैं, जो रामायण लिखे वाल्मीकि मुनि, वो भी पहले तो रत्ना का दस्यु थे, इसको भी बचाया था, बहुत सारे ऐसा। और उदाहरण दे जैसे हमारा चित्रकेतु राजा है, चित्रकेतु राजा का जो कोई लड़का लड़की कोई संतान नहीं है, बहुत याद है ना, इसका चर्चा हम नहीं करेंगे, समय नहीं है। और लड़का जो गुरु वैष्णव का ऋषि मुनि का आशीर्वाद से हुआ एक लड़का, और लड़का जब मर गया तो आशीर्वाद देने के समय में बोल के गया था आपका सुख दुख छो प्रदो, सुख और दुख दोनों मिलेगा, लड़का से सुख हुआ था, इसके बाद दुख आ रहा है, लड़का छोड़ के चला गया। इस समय में चित्रकेतु को कौन संभाला, दिल को कौन संभाले, गुरु वैष्णव के छोड़ के गुरु वैष्णव को छोड़ के दिल को कौन संभाले, ये गुरु वैष्णव ही है एक, है ना। तो इसका संभालने के लिए आ गया नारद जी महाराज, नारद जी महाराज आ गए और उसका बाद पारमार्थिक शिक्षा दिए, तत्व ज्ञान उपदेश किए। इसका बाद अज्ञान अंधेरा छूट गया, अज्ञान अधिविरंदस ज्ञानंजन सलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन, ये तो बोलने वा बहुत इजी है, सबको ही बोलते हैं अज्ञान अधिविरंदस ज्ञानं, ये बोलना बहुत ईजी है।
लेकिन अनुभव करना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। अब जो प्रश्न का जवाब दे रहा था, जो गुरु वैष्णव का वैकुंठ दर्शन है फिर भी ये जगत में देख रहा है, जीव को सही बात जी ने बताया, इट इज जस्ट लाइक अ ड्रीम। जैसे सपने में, सपने में कोई सुख का न, कोई सपने का नगरी है, नगर का दर्शन हुए, बहुत कुछ सुख सामान मिला है, भोग विलास भी मिला है, सपने हैं, लेकिन ये तो सच्चा नहीं है, फिर भी सपने में कुछ चीज देखो तो सच्चा ही लगता है। जीव गोस्वामी पाद जी ने बताएं, गुरु वैष्णव का जो जगत दर्शन है, जगत में गत जीवों का जो सुख दुख देखते हैं, उद्धार करने के लिए व्यस्त होते हैं, इसमें उसका जो वैकुंठ दर्शन का कोई विघ्न नहीं होता। गुरु जी का जो वैकुंठ दर्शन है, हमको उद्धार करने जाए कि गुरु जी का वैकुंठ दर्शन छूट गया, ये कैसे हो सकता? आई बात समझ में? हमको उद्धार करने गया गुरु जी, अब गुरु जी खोत माया में कूद पड़े, ये कैसा गुरु जी है? ये गुरु दर्शन नहीं। हमारा दुख को देखकर गुरु जी का अंदर में करुणा का पैदा हुआ, वैष्णवेर निवेदन कृष्ण दयामय एहन पामर पति हवेन सदाय। वैष्णव का साथ भगवान का, गुरु का साथ भगवान का कनेक्शन है, और हमारा ओर से, हमारा तरफ से अगर प्रार्थना विनती करे तो गुरु जी का जो प्रार्थना है मेरे लिए, ये भगवान तक, भगवान का चरण तक पहुंच सकता। ये जो व्यवस्था है, जीव गोस्वामी ने बताया कि गुरु जी जो जगत में जो सुख दुख ये सब देख रहे हैं, इसका जो दर्शन, इसके द्वारा उसका वैकुंठ दर्शन छूटता नहीं है। वैकुंठ दर्शन का, वैकुंठ दर्शन पक्का है। और जो जगत दर्शन है, वो जगत दर्शन का जो चीज है, एक सेंसेशन जो हृदय में आता है, इट इज जस्ट लाइक ए ड्रीम, सपने का माफिक। अगर सच्चा हो जाए तो गुरु जी का ये जो विचार है गलत हो जाएगा ना। जो वैकुंठ भूमिका में है उसका जगत का साथ तो कोई कनेक्शन है ही नहीं, फिर भी कनेक्शन है, वो भगवान का ही व्यवस्था है। ये है, ये विचार है आ गया। और अर्जुन जो है, अर्जुन अभी विश्व दर्शन कर रहा है, और अर्जुन का जो ये जो विश्व दर्शन है, ये बद्ध जीव का जो विश्व दर्शन है, भोग प्रवृत्ति लेकर अर्जुन का अंदर में ऐसा हालत अभी नहीं है। हालत अर्जुन का अंदर में ऐसा हालत नहीं कि अर्जुन भोग करना चाहे बहुत कुछ, ऐसा नहीं। और फिर भी अर्जुन का जो पक्का वैकुंठ दर्शन हुआ है, अभी वैकुंठ दर्शन अगर नहीं है तो भगवान दर्शन कैसे होता है, ये भी पक्का है। इस बात को अर्जुन खुलासा करेगा आगे चल के, हैं वैकुंठ दर्शन जरूर है, फिर भी मानो कि लगता है कि वैकुंठ दर्शन जैसा है वैकुंठ नहीं है। अगर होता तो अर्जुन कैसे आगे चल के अफसोस कर रहे, दोस्त का मापिक, यार का मापिक आपका साथ मजाक उड़ाया, बहुत सारी चीज किया, तत्क्षमस्व ये क्षमा करे हमको, क्या बात है? पहले क्या, ये भगवान का जो जोग माया है, भगवान का जोग माया, अर्जुन का साथ भगवान का जो साक्ष है, दोस्ती है, इसमें कोई दोष नहीं है। फिर भी ऐसा एक पर्दा डल के रखा है कि भगवत्ता का पूरा पता नहीं है, क्या युधिष्ठिर महाराज भी जानता है? फिर भी तो सब, जब कृष्णो युधिष्ठिर महाराज के चरण छोके, धूलि चरण धूलि दे तो माना नहीं करते, भीमसेन का चरण में चरण पकड़ के धूलि लेते हैं, ये बात है। ऐसा जो एक जड़ दर्शन है ऐसा नहीं है अर्जुन का। इसीलिए हमने व्याख्या किया था वैकुंठ, भक्तिविनोद ठाकुर का विचार का अनुसार, कैसे इसको, कैसे इसको भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया, ये दिव्य ज्ञान जैसा, ये दिव्य दर्शन जो है, दिव्य दर्शन कैसे, दिव्य दर्शन कैसा, दिव्य दर्शन है ये, दिव्य दर्शन जो है ये कैसा दिव्य दर्शन है,
हम आपको आंखें दे रहा हूं और आप ये दर्शन कर ले सारे, इसका बारे में भक्तिविनोद ठाकुर का जो विचार है पहले हम बताया था, पहले हमने चर्चा किया था कैसे भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं दिव्य दर्शन क्या है। और इधर जो है अर्जुन अभी कह रहे हैं कि स्थाने ऋषिकेश तब पकृत्वा जगत प्रहसत्वन रज्जते च रक्षांसी भीतानि दिशो दवन्ति सर्वे नमस्सन्ति च सिद्ध संघा। स्थाने स्थित श्रुति कथाम तनुवांग मनोभी ब्रह्मा जी बताया, वहां स्थाने का मतलब था, ये माने था साधुगण सकाशे सकाशे साधुगणों का साधु गुरु वैष्णव के सामने रह के हम जीने का कोशिश करें, क्योंकि हर वक्त वैष्णव संगीत है, वैष्णव संगीत मन आनंदित अनुक्षण सदा है कृष्ण परसंग। यहाँ स्थाने स्थिता ब्रह्मा जी का व्याख्या था, इसका माने किया विश्वनाथ चतुर्थी गुरु वैष्णव के सामने रहकर स्थाने स्थिता स्वतुकताम तनुबांग मनोवीर काय मन वाक्यों के द्वारा शरणागत होके। आ यहाँ स्थाने ये शब्दों का माने हैं युक्ति युक्त एप्रोप्रिएट राइट। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्वा जगत प्रहसत्वन रज्जति च रक्षांशी भीतानि दिशो दवन्ति सर्वे नमस्सन्ति च सिद्ध संगः। यहाँ अर्जुन जैसे जिस बात को शुरू किया था ना, जो अनुग्रह और निग्रह करना दोनों ही भगवान का काम है, ये देके शुरू किया था। अर्जुन का ये जो दर्शन है इसमें अर्जुन दोनों देख रहे हैं, एक है कुरुक्षेत्र युद्ध में युद्ध देखने के लिए, ये युद्ध देखने के लिए आगत देवता लोग गंधर्व लोग सिद्ध गंधर्व विद्याधर प्रमुख ऋषि मुनि सारे आ गया, लेकिन ये लोग आपका जो विश्व दर्शन जो है, विश्व दर्शन जो हो रहा है ना, अभी अर्जुन कह रहे हैं कि आपका महिमा कीर्तन कर रहा है सिद्धो विद्याधर प्रमुख सारे गंधर्वो देवता सारे आपका गुण कीर्तन कर रहा है, ये स्वाभाविक है। जनस्व कृष्णात विमुखस्व दैवात, और ये असुर राक्षस जो है दानव जो है ये आपका गुण कीर्तन सुनने के बाद भाग रहा है, क्योंकि इसका सहन नहीं हो रहा है, इसका समझ नहीं सहन नहीं हो रहा है, भीतो क्योंकि नेगेटिव फोर्स है ना, अतिशय भीतो होकर भाग रहा है चारों ओर। अर्जुन कह रहे हैं ऋषिकेश आपका तुम्हारा जो जस कीर्तन श्रवण करके जगत आनंद लाभ कर रहे हैं, उसमें जो साधु गुरु वैष्णव है ऋषि मणि है गंधर्व सिद्ध चारण जो है वो सब आनंद लाभ कर रहे, आ तुम्हारा चरण में अनुराग तुम्हारा चरण का जो आकर्षण अनुभव करता है, और राक्षस दैत्य दानव जो है आपसे विमुख होकर विमुख है, ये सब आपसे विमुख है इसे भागने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन कर रहे हैं ये अप्रोप्रिएट है, ये सही बात है, ये स्वाभाविक है। दोनों दर्शन अर्जुन दोनों दर्शन के बारे में बताए, असुर और राक्षसों का दर्शन है जो भगवत दर्शन वो लोग नहीं चाहता है, माया का दर्शन चाहता है, और माया का भगवान का सामने माया नहीं टिकता है, माया का सामने भगवान जहां कृष्ण तहां नहीं माया रोधिका, इसीलिए भक्ता है ना। लेकिन इसमें एक सवाल आता है, अगर भगवान का सामने माया टिकता नहीं है तो महाराज पुतोना कैसे आए, अगासुर ए बगासुर आए ना,
भगवान का सामने आए ना, ये तो माया ही है। पुतना जो आई ना तो माया ही है, माया ही। ये कैसे आई माया, तीन आवर्त तो कैसे माया तो है ये। इसका जवाब दिया विश्वनाथ चतुर्थी, जो माया ये तो माया है, लेकिन भगवान इच्छा करके छूट दे के रखा है। ये कई हमारा सामने आए तो अच्छा है, आने से लीला होगा, लीला होगी ना। भगवान का सामने अगर ना पुतना ना है, ना है, ना है, तो कैसे लीला हो सकता। इसीलिए ये भगवान का मंजूर है, भगवान का मंजूर है। जोग माया का ही एक व्यवस्था है, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकारी 100% पक्का है। फिर भी भगवान का इच्छा के अनुसार जोग माया का यह व्यवस्था है, जोग माया की ये व्यवस्था की है। जे भगवान के सामने पुतना पहुंची और ऐसा लीला होना संभव नहीं है, अगर ये नहीं होता तो ये पक्का बात है भगवान के सामने माया रे कुरिया जाए चरण न जाए साधु गुरु की भवन ना देगी बात। भगवान का सामने माया टिकता नहीं, और जो भी ये माया देख रहा है ये भगवान का जोग माया का एक व्यवस्था और कुछ नहीं है। ये जो युधिष्ठिर पंचपांडव आदि बहुत सारे क्वेश्चन आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आता है मेरा पास, महाराज ये जो युधिष्ठिर है पांच पांडव है तो भगवान का निजी जन है, भगवान ने अपनाया अपना आहा, तो ये जो पंच पांडव है इसका इसका जो दुख है कैसे हुआ, इसका जो इतना दुख बड़े नाले, इसका जो दुख है इतना कष्ट है ये कैसे हो पाया, ये क्वेश्चन आता है ना। ये क्वेश्चन आता है कि अगर युधिष्ठिर महाराज भीमसेन अर्जुन सब भगवान का निजी जन है उसका इतना कष्ट किया है, इसका उत्तर पितामह भीष्म ने भी दिया है। जब शरीर छूटने का पहले जो प्रवचन किए उसका अंदर में, इसका अंदर में सब उत्तर है जब दिया है। जहां भगवान स्वयं है सब कुछ है, सब कुछ है भगवान का भक्त, ले वो इसका भगवान का सामने ऐसे कैसे हो गया, ये लोगों का दुख कैसे हो गया। टीकाकारों ने बताया ये एक जोग माया का व्यवस्था है। अगर अगर युधिष्ठिर महाराज भीमसेन आगे ये सब ये पंच पांडव का कुंती देवी का अगर नहीं कष्ट नहीं है तो ये हो ही नहीं सकता, इसमें के लीला का मिठास नहीं बनेगा, होगा नहीं। इच्छा करके ये भगवान का व्यवस्था है, ये दुख नहीं है। जिसका अंदर में भक्ति है उसका दुख तो नहीं स्पर्श होता है, भक्ति वैकुंठ वस्तु, भक्ति के साथ दुख मिलावट है, ये कैसे हो सकता है। इसीलिए भक्तिमय ठाकुर कीर्तन में बताया था ना, बताया ना, पशु पक्षी हुए था कि स्वर्गे बा निरोय तब भक्ति रहो भक्ति बिनोद हिदाय। वृत्तासुर का अंदर में बाहर से दिखा जाता है असुर रजगुण तमगुण है, लेकिन अंदर में भक्ति पक्का है। इसीलिए युद्ध क्षेत्रों में ये इंद्र महाराज बड़ा दंग रह गए, देखे कैसे हो सकता, ये असुर है लेकिन इसका अंदर में भक्ति का ऐसा कैसे हो सकता है, हैं? ये रजगुण तमगुण और इसका साथ मिलावट कैसे हो सकता है। बोला नहीं, इसका अंतर आत्मा में भक्ति है, इसका साथ ये जो ये बाहर का जो चीज है दिखा इसका मिलावटी नहीं है। मिलावटी होता तो कैसे प्रवचन करता, वित्तासुर भी शरीर छूट गया, शरीर काट काट एकदम टुकड़ा टुकड़ा कर दिया फिर भी प्रवचन कर रहे हैं, हे ठाकुर हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, अहम हरे तब पादिक मूल दास दासानुदास भूयो भवितास में भूयो, ये सब स्तुति की। इसका मतलब है अंदर में भक्ति जो है अंतरात्मा में, ये तो बाहर में दिखाई पड़ा ऐसा स्थिति, ये भगवान का व्यवस्था है, जोग माया का व्यवस्था
नहीं तो होगा नहीं, हमको हमारा ये सब बनेगा नहीं, शिक्षा नहीं होगी। तो युधिष्ठिर महाराज जी का ये जो दुख है, ये दुखाभास, दुखाभास है, दुख नहीं है, भक्ति है ना अंदर में। किसी अवस्था में रहे, नहीं तो सिद्धांत तो विरुद्ध, किसी अवस्था में रहे तो सुखी है, भक्तों का तो यही विचार है। तो ये जो अर्जुन का अभी जो अर्जुन कह रहे हैं कि स्थाने ऋषि के सतव प्रकृत्वा, स्थाने ऋषि के सतव प्रकृत्ता जगत प्रशत्न रजति च रक्षांश भीता निधिशो दवंती सर्वे नमस्ति जो सिद्ध संगा, ये विचार हुआ। इसका बात कह रहे हैं कि आप जो अद्वैय ज्ञान तत्व है, आप ही एक तत्व है, और कोई तत्व है नहीं, और जो कुछ भी है आपका ये अद्वैय ज्ञान तत्व का ही है। तो इसीलिए अर्जुन का ये अनुभव में आया, अभी अर्जुन का गुरु दर्शन भगवत दर्शन पक्का हो रहा है, धीरे धीरे आगे चल के हम सुनेंगे अर्जुन क्या कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि कस्मात् ते न नमेर न महात्मन गरीयसे ब्रह्मणो ओपी आदि करते अनंत देवेश जगन निवास तमक्षरम सदशत तत्परम यत्। कस्मात् चौथे न नमेरन, क्यों आपको नमन नहीं करेगा, क्यों आपको ही तो नमन करना है, नमन करने का कोई वस्तु है तो आप ही है। कस्मात् चौथे न नमेरन, क्यों नमन नहीं करेगा, दंडवत नहीं करेगा, क्यों, ये करना तो जरूरी है। महात्मा ना, जो सारे महात्मा लोग हाँ गरी असे ब्राह्मण ओपी आदि करते, आप ही तो एक ही तत्व है ना, जहां देखो आप ही आप है, जहां देखो आप ही आप है ना, और कुछ तो तत्व है नहीं, आप ही है ना। और जो ब्राह्मणों ओपी आदि करते, ब्रह्मा जगतकर्ता का सम्मान लेते हैं, ब्रह्मा तो जगतकर्ता ऐसा बोल के सम्मान लेते हैं कि ब्रह्मा भगवान से शक्ति प्राप्त किए, चतुश्लोकी भागवत में है, है? और फिर उसके बाद भवान कल्प विकल्प से न विमिजित करिचित, आप इस सृष्टि का क्रियाक्रम करते हुए मेरा शक्ति आपको दिया है, कृपा दिया है, इसके द्वारा आपका अंदर में ये जो सृष्टि का पालन, सृष्टि का सृष्टि कर रहे हो, राजसिक कर्म है, इसके द्वारा आपका कोई समस्या नहीं होगी, इसके द्वारा आपका कोई समस्या नहीं होगी, ब्रह्मा ने आशीर्वाद करके आशीर्वाद दिए, भगवान ने आशीर्वाद दिए, कुछ नहीं समस्या होगी, मेरा आशीर्वाद है, चलो कोई बात। तो ब्राह्मणों आदि ब्राह्मणों ओपी आदि करते, ब्रह्मा से भी आप परे हैं, आदि करते ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण काज, ये जगत का क्रियाक्रम करते हुए भी आपका भगवान का आशीर्वाद चतुर्सुर की भागवत में देख लेना, लास्ट जो शोक हमने बताया अभी था, भवान 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 आशीर्वाद है मेरा, भगवान कह रहे हैं कि भवान आप भवान कल्प विकल्पेशु न विमोहित कर ही चित, आपका विमोहन, आपको मोह प्राप्ति होना संभव नहीं है, आशीर्वाद है। और ऐसे कह रहे हैं कि अर्जुन आप तो ब्रह्मा से भी आदि करता है, अनंत देवेश जगन निवास अनंत ओमनी प्रेजेंट हैं भगवान, आप तो सर जगह हर जगह पे आप ही आप है। ब्रह्म तत्व का हिसाब किया जाए तो ब्रह्म तत्व सर्वगत ब्रह्म, सर्वगत ब्रह्म, ब्रह्म तो सर्वगत है, अनंत देवेश जगन निवास, जगत का हर जगह कोने कोने में हर जगह आपका ही तो निवास है, आप ही आप हो और तो कुछ नहीं है। हे महात्मन हे देवेशो, हे महात्मन हे देवेशो, हे जगन निवास, तुम ब्रह्मा से भी, ब्रह्मा का भी गुरु है,
आदि करता है आप, अतः तमाम जगत आपको नमस्कार करे तो स्वाभाविक है। चराचर जगत व्यप्तम विश्वम चराचरम, सारे चराचर विश्व में आप है, व्यक्त है, कहां सद है कहां असद है, ये जो विचार है ये तो है। दैते भद्रा भद्रो सब मन धर्मो, यही भालो यही मंदो यही सब भ्रमो, दैते भद्रा भद्र सब मन धर्म। श्रील संत गोस्वामी महाराज जी का एक लीला है, श्रील संत महाराज जी का एक लीला व्याख्या करे तो समझ में आएगा। भारती महाराज जी कहते थे अक्सर, हमारा शिक्षा गुरु भारती महाराज जी कहते थे, संत महाराज के जीवनी है। भले एक दफे लंच होकर, बड़ा लंच होके जाना था ढाका, पापा जी ने भेजा है, वो क्या करे, बच्चा है, उम्र ज्यादा नहीं है, वो जाके बैठा हुआ है लंच में, पहले से टिकट खरीद कर बैठा हुआ है। क्या कहते हैं हमको पता नहीं, हम गया नहीं कभी, जानते ग्वालंद घाट पाट क्या सब कहते हैं। टिकट खरीद के बैठ गया, अच्छा सा जगह देख के, हवा फवा आए सुंदर, और दिखे सुंदर दिखे, पद्मा नदी का व्यू आदि सब दिखे, बैठ गया। और उसका बाद धीरे धीरे लॉन्च का पूरा भीड़ भड़का हो गया। अब बुजुर्ग लोग जो है, बड़े बूढ़े हैं, आके बोले, ए बच्चा बैठ रहा है, बैठने का उम्र है क्या, चल आगे चलो, ए कैसा है, भक्त है, बैठने नहीं देते। संत महाराज देखा टोका है, बहुत टोका है उसको। संत महाराज देखे ठीक है चलो, कोई हम खड़ा ही हो जाए क्या करे। ऐसा करके फिर उसका बाद एक समस्या हुआ कि एक अंडा वाला अंडा लेके आया, असिल संत महाराज कहाँ जाए, बेचारा बच्चा है राधा रमन, वो थोड़ा हटके खड़ा हुआ, देखा खाने का चीज में घीना है, हैं ये भक्त है क्या, हैं ये भक्त है, खाने का चीज में घीना कर रहा वो। संत महाराज ने उत्तर नहीं दिया, हैं सारे जुटे हुए हैं इसका पीछे, बच्चा का पीछे, वो हटके खड़ा हुआ कुछ नहीं बोला। बस आगे जो है चल के पद्मा नदी का हालत बहुत खराब होगी, और धमाका झड़ हवा चलने लगे जोर से, धमाका वायु चलने लगे जोर से, और उथल पथल करने लगे। ओ और जो बूढ़ा गाली दिया था, हट हट बच्चा बैठने का जगह है, बड़े बूढ़े को बैठने नहीं देगी, साधु हुआ है वो तो पहले रो पड़ा, महाराज क्या होगा मेरा, ये अगर लंच अगर डूब जाए नदी में तो हम कहाँ जाए, हाय ठाकुर हम कहाँ जाए, लंच अगर डूब जाए कि क्या, हमारा लड़की का बेटिया रानी के शादी का सामान है मेरा, सारे डूब जाए तो कैसा क्या होगा, रोना शुरू कर दिया। बाकी लोग बोले रोने धोने से, क्या है ये जो साधु है संत महात्मा को आप बताओ, अब बच्चा जो खड़ा हुआ था अब उसका सामने प्रार्थना करने गिर गिराने लगे, बाबा जो हुआ तो सो हुआ, काम करो ठाकुर जी का प्रार्थना करो, हमारा बच जाए, जिंदगी बच जाए। संत महाराज जी में देखो हम तो साधु नहीं बना ना, इसीलिए तो इतने गाली गलाज मिला। ठीक है चलो, हमारा गुरु जी तो साधु है प्रभुपाद जी, ठीक है हम प्रभुपाद जी को प्रार्थना कर रहे हैं, चलो आप बैठ जाओ सब, आप भी मेरा साथ प्रार्थना करो, करना शुरू कर दो, महामंत्र करो, पंचतत्व करो, करो और सब 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 शुरू कर दिया है। ऊपर से चप्पा आएगा ना तो सारे मंजूर है, ऊपर से चप्पा आया ठाकुर जी का, अब मंजूर है, असो जिंदगी में ठाकुर जी का नहीं नाम लिया, अरे हरे कृष्णा बोलना शुरू कर दिया। अब आगे चलकर घंटा भर बाद थोड़ा बहुत लंच का स्थिति जो है थोड़ा बहुत नॉर्मल होना शुरू कर दिया। अब वो बूढ़ा जो है रोना शुरू कर दिया, बाबा हमको क्षमा करो, आपका ये जो है आपका लिए हम लोग बच गया प्राण से, पर ना हम नहीं, हमारा गुरु जी का कृपा से बचा है। तो ये जो द्वैत भद्र अभी गाली दिया,
द्वैते भद्रा भद्र सब मनोधर्म। अभी बोला ये क्या है, क्या कर रहे हो? अभी बोला बाबा क्षमा करो, हो गया। ये इसका नाम है द्वैते भद्रा भद्र सब मनोधर्म, यही भालो यही मंद्र यही सब भ्रम। आई बात समझ में? ये प्रैक्टिकल उदाहरण दे दिया ये जगत का। इसीलिए हमने बोला था ना, किसी ने मेरे को खमा का गाली दे दिया, हम कुछ नहीं, हमारा कुछ आता जाता नहीं। कोई गाली दे, कोई अगर जीनियस बोले तो ये बोले, कोई अगर जानवर बोले तो मेरा बराबर है, क्योंकि जो गाली दे रहा है वो भी मेटेरियल आदमी है, उसका शब्द मेटेरियल है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर गुरुजी गाली देता तो उसका कोई माने होता है, ये शब्द सामान्य है, जड़ शब्द है। वो अगर मेरा प्रशंसा भी करे, माला चढ़ाए, उसमें भी कुछ आता जाता नहीं। इस भूमिका, इस अवस्था में प्रतिष्ठित होना जरूरी है। इस अवस्था में प्रतिष्ठित होना जरूरी है, जिसमें तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट जैन केन चित अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान प्रेम में प्रिय न रहा। ये जो बताया था ना अभी, तुल्य निंदा स्तुति में, कोई निंदा किया, स्तुति किया, स्तप किया, बराबर है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट जैन केन चित अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रिय न रहा। भगवान ने बताया तो तुल्य निंदा स्तुति मौनी, ये साधु का भी ये स्वभाव है। संत महाराज बचपन में बच्चा है, फिर भी देखो कैसा सबक सिखाया सबको, वो गाली दिया कुछ नहीं बोला। अब जब गाली देने के बाद अगर बोले और जड़ जगत का कोई, अरे महाराज दो मिनट पहले मेरे को गाली दे रहा था, अब मेरा पैर पकड़ रहा, कैसा, ऐसा नहीं बोला। साधु का स्वभाव है, स्वाभाविक विनम्र भाव है। ठीक है, मर रहा है आदमी, ठीक है, प्रभुपाद तो यही है हमारा गुरुजी, उसको क्यों ना प्रार्थना करे, ये तो भगवान का निजी जन है। तो देखो ऐसा नहीं बोला, हाँ दो मिनट पहले मेरे को गाली दिया, भगा दिया मेरे को बैठने से, हम करे मर, ऐसा नहीं बोला। कैसा देखो साधु का स्वभाव देखो, हैं, ये तो साधु का स्वभाव, इतना गाली दिया, इतना निंदा किया, इतना सब कुछ किया, फिर इसके बाद विनम्र भाव प्रहलाद महाराज का देखो, इतना कुछ करने के बाद भी अपना कोई पेशेंसी जो है, उसका धैर्य जो है वो टूटा नहीं, बने रहे हर वक्त। कितना डर दिखाया, अब अंग्रेजी कथा में चर्चा आएगा, बहुत सुंदर। कितना डर दिखाया, कितना इतना धमकाया, कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि भगवत भक्तों का ये लक्षण है, वो डरते भी नहीं है, डराते भी नहीं है, वो टेंशन लेते भी नहीं है, टेंशन में किसी को डालते भी नहीं है, और खुद भी टेंशन नहीं लेते हैं, ये साधु का लक्षण है। और कहाँ जाए, चलो ये तो, ये जो है तमाम, ये दुनिया में जो है भगवान का जो विश्व रूप है, इसमें तमाम दुनिया जुटे हुए हैं। ये अच्छा है, ये बूढ़ा है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये सुंदरी है, ये कुत्सित है, सारे। लेकिन भगवान का सामने ये विचार नहीं है। भगवान हर वक्त उसका अंतर को देखते हैं। जैसे एक मिसाल दे दे, जैसे कुब्जा है, जब कुब्जा को भगवान ने कह दिया ना, क्या कह दिया, हे सुंदरी आप अगर थोड़ा मेरे को, हम दोनों को अनुलेपन लगा दो, तो कुब्जा रो पड़ी। आप अगर मेरे को कुछ सीध है, कुब्जा है, गाली दे के कहते तो उतना दुख नहीं होता, और ठेस पहुंचाया ना आपने, ठेस पहुंचाया ना ऐसा बात कह के कि सुंदरी, हम थोड़ी सुंदरी है, हाय हाय रोना शुरू कर दी। कृष्ण बोले नहीं, आप बुरा मत मानो, उल्टा मत सोचो, मैं वाकई आपको सुंदरी बताए। अब झूठा नहीं बोलो, आप मेरे को, आप हम दोनों भैया जो कृष्ण बलराम दोनों कहने लगे और अनुलेपन दे दो तो सुंदरी, तो कृष्ण ये तो अनुलेपन जा अनुलेपनकारी नहीं, ये कंसों का शरीर में अनुलेपन देने वाली, कंसों का शरीर में अनुलेपन देने वाली ये है। लेकिन फिर भी जब कृष्ण बलराम ने
जे पूछा है तो राजी हो गया, जरूर आपको ही तो अनुलोपन शोभा देता है, आपको ही तो अनुलोपन देंगी हैं, देखे पूरा अनुलोपन कर दो। और जब ये सब पूछा आप सुंदरी करके तो दुख हो। उसका बाद कृष्ण ने क्या की, उसको सचमुच सुंदरी बना दी। सचमुच इसका जो चिबुक है ना, होठों का नीचे जो ये जो पोर्शन है थूतमा, इसको पकड़ के पूरा एकदम प्रेशर क्रिएट किया और पैर को दबाया और पूरा कुब्जा क्या सीधा बन गया, बन गई पूरा सीधा कुब्जा, कुब्जा पूरा सीधा बन गई और इतना सुंदर रमणी बन गई कि पूछो मां। और उसका बाद क्या क्या है, ऐसा ही मापिक भगवान का, जैसे भगवान जैसे बाहर का चीज देखते नहीं, इसलिए साधु गुरु वैष्णव भी हर वक्त अंतर का ही देखता है, बाहर का देखता नहीं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये शत्रु है, मित्र है, ये सब दर्शन साधु गुरु वैष्णव का नहीं है। जो काल अपमान किया, बहुत कुछ टोका है, बहुत कुछ किया है, भगा दिया, फिर भी वो अगर बोले महाराज थोड़ा कथा सुनाओ, हमारा जिंदगी सुधार दो, वो बोलना शुरू कर दे। वो बोलेगा नहीं है, याद है हमसे मठ से, हमको मठ से भगाया था, याद नहीं है, ऐसा नहीं बोलेगा कभी। दयालु है ना गुरु वैष्णव, दयालु है। भगवान को अपना हृदय में बैठा के रखा है ना, तो उसका दया का अभाव कहां से होगी। अंदर अंतरात्मा में भगवान को बैठा है ना, है इसका ऐसा ही है। तो अभी ये जो अनंत रूप देख रहे हैं भगवान का, जो विश्व रूप देख रहे हैं आप, या अर्जुन का ये कहना है, अनंत देवेश जगन निवास तमाक्षरम सदसत तत् परम जत। कहने का मतलब है ये इस सद और असद जो है ये तमाम आया कहां से। सद और असद विचार हम तो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ना, ये सत है, ये असत है, ये है, ये भला है बुरा है, ये करना जरूरी है क्योंकि मेटेरियल प्लेटफॉर्म में ये विचार भी जरूरी है। लेकिन उस अवस्था में पहुंचे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। परमहंस दर्शन में जैसे एक मिसाल दे दे, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वृंदावन में सूरज कुंड में जहां हम रहा करते थे हम पहले, यह जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का सामने ही है सूर्यकुंड, सूर्यनारायण मंदिर से एकदम दो मिनट भी नहीं, एक मिनट बगल में। बहुत पहले का बात, 150 साल पहले का बात है, ये आज का बात नहीं है। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने एक दफे एक भांगी का घर में रोटी मांगने गया, ए रोटी दे दे, रोटी मांगने गया। अब भांगी तो चौंक गया, अरे बाबा हमारा घर में आए, अरे हम भांगी है, अच्छा कोई देखेगा तो गाली देगा ना, और बेगा बाकी आदमी गाली दे रहे हैं, ए बाबा क्या कर रहा है, भांगी के घर में आया हमारा सूर्यकुंड में रहने समय में उदय सिंह, उदय सिंह बोल के एक एक ब्रजवासी, वो नीचा खानदान का, जगत का हिसाब से, मेरा हिसाब से नहीं है, मेरा हिसाब से ठीक है, वो मेरा पास रोता था, बाबा हमको आने नहीं देखते, हमको घुसने नहीं देखते, हम क्या करें। तो हम अगर जोर जबरदस्ती करें, हम उसको सुलझाया, देखो ये शास्त्रों का विचार के अनुसार ऐसा नहीं है, जिसका अंदर में भक्ति है सबसे बड़ा है, लेकिन ये लोग तो बुद्धू हैं, समझाने जाए तो उल्टा हो जाएगा, क्या करें। वो ठाकुर जी का सिलाई करते थे कपड़ा। तो ये जो है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भांगी के घर में गए, भांगी बाहर आए, ए बाबा रोटी नहीं है, चलो रोटी कहाँ है, रोटी नहीं है इधर। और बाबा जी महाराज ने कहा रोटी नहीं है, वहाँ वो जगह का नाम बोला, तेरा घर में वो जगह में दो रोटी पड़ा हुआ है, दे मेरे को दे। वो चौंक गया, बाबा ने बता दिया वो जगह रखा हुआ है दो रोटी, तो बोले रोटी नहीं है। अब बाकी लोग गाली देना शुरू कर, बाबा यहाँ कहाँ भिक्का कर रहे हैं, भांगी कर घर में क्या बात है। तो बाबा ने जवाब दिया,
तेरे को भांगी देख रहा है, है? ये वृंदावन है। सपच गृह थे मांगिया खाइबो पीबो सरस्वती जल। भारती महाराज अपना जिंदगी का कहानी बताए, बहुत सुंदर। भारती महाराज ने बताए गौरधाम का परिक्रमा चल रहा है, एक तेली का घर में गया गुरुजी और सब गया, वो कहाँ ये कहाँ जगह है, वो जगह है वो समुद्रगर, उसका बड़ा मैदान है, उसका गृहस्थी है, उसका बड़ा जगह है, भक्त लोग सब रुका है और उसको कुछ दिया है। माधव गुस्से में मौजूद है और माधव गुस्से भारती महाराज से सुना है ये बात, बोले हमने तो खाया नहीं क्योंकि ये तेली का घर है, हमने खाया नहीं, निषेध है। और गुरुजी हमको देखते रहे, हम खाया नहीं, सब कोई खाया। उसका बाद गुरुजी ने मेरे को आप एक पद सुनाया भक्ति विनोद ठाकुर का, सपच गृह ते मांगिया खाइबो पीबो सरस्वती जल। भारती महाराज बताया कुंती में गुरुजी मेरे को ये सुनाया, अर्थात बोलने का मतलब यह है ये धाम है, नवद्वीप धाम वृंदावन धाम है। इस अवस्था में अगर पहुंचो, इस अवस्था में ना पहुंचो तो दोष पकड़ेगा, बद्धजीवों का तो दोष पकड़ेगा, वो तो जरूर है। वर्णाश्रम धर्म आदि जो चीज है वो एक्सटर्नल है, जब तक भक्ति पक्का नहीं हुई, जब तक भक्ति पक्का नहीं हुई तब तक ये सवाल है, या अंग्रेजी कथा में हम चर्चा करेंगे हैं। ये वर्णाश्रम धर्म आदि जो है सब ठीक है, ये सब भगवान ने ही बनाया, लेकिन कब तक है, जब तक भक्ति पक्का नहीं हुई, पक्का होने के बाद सब फीका पड़ जाएगा, कुछ नहीं रखा है। सबसे बड़ा ऊपर है भक्ति, जिसका बस है, बसीभूत है भगवान स्वयं। तो द्वैते भद्रा भद्र सब मनोधर्म, यही भालो यही मंद्रो यही सब भ्रम, ये सब भ्रम है कुछ नहीं। ये विचार परमहंस अवस्था में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बोलना शुरू कर दिया है, तेरे को भांगी दिख रहा है, हैं? ये वृंदावन धाम है, कहां भांगी है? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का परमहंस दर्शन है, इसलिए उसको कुछ सारे समदर्शन, समदर्शन का बात उठाकर समाज में जो बदमाश सहजिया है उसे उल्टा व्याख्या करते हैं। महाराज आपका गुरुजी का समदर्शन है तो हमारा साथ बैठ के क्यों प्रसाद नहीं पाया, ये बात उठाते हैं। समदर्शन का मतलब ये नहीं कि जगतवासी का दर्शन कहाँ तक है, जगतवासी का दर्शन कहाँ तक, इसको तो ये तो सोचना चाहिए ना। समदर्शन का मतलब हर व्यक्ति वस्तु का अंदर भगवत दर्शन, ये समदर्शन, किसी को घृणा नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं कि आचार्यों की भूमिका में जो है वो अपना विचार सब तोड़ फोड़ कर, सब तोड़ मोड़ कर पर एकदम फेंक दिया तो कुछ नहीं रहे, क्योंकि आम आदमी को, साधारण आदमी को सिस्टमेटाइज टू गेट कंट्रोल ओवर द होल मैस ऑफ द सोसाइटी, समाज का पूरा व्यवस्था को बनाने के लिए ये ऐसा किया गया, नहीं तो अव्यवस्था फैलेगा। इस व्यवस्था जरूरी है, जब तक ये परमहंस अवस्था में ना जाए तब तक ये जरूरी है, वर्णाश्रम व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सिस्टम बना के रखा है, सारे तोड़ मोड़ के पूरा एकदम भंग एकदम खराब हो जाएगा ना। इसलिए इच्छा करके भगवान का इच्छा के अनुसार ये बना के रखा है, तो जब तक परमहंस अवस्था में ना जाए तो ये जो दर्शन है ये ठीक है। गुरुजी परमहंस अवस्था में है फिर भी आचार्यों का काम कर रहा है प्रभुपाद जैसा, तो इसलिए बोलना पड़ता है ये खराब है, ये ठीक है, ये साजिया है, बदमाश, बोलना पड़ता है, ये गुरु का काम है, ये गुरु का काम है। ये अगर नहीं दिखाया, सदगुरु मिले, तुलसीदास जी ने बताया सदगुरु मिले भेद बतावे, सदगुरु मिले भेद बतावे ज्ञान करे उपदेश,
कैला का मैला छूटे जो आंख करे प्रवेश। जब गुरुजी अगर हमको नहीं बताए ये बूढ़ा है, ये खराब है, ये परमार्थ है, ये परमार्थ नहीं है, इसमें सही रास्ता पे चलो, अगर भेद नहीं बताए, ये अतत वस्तु है, ये तत वस्तु है, बेटा ध्यान देना, ये जिस रास्ते में चल रहे हो ये अतत है, ये तत वस्तु है, ये दोनों को छांट छूट के, दोनों चीज को छांट छूट के आगे बढ़ना है तुमको, नहीं तो मिलावटी हो जाए हैं। इसलिए परमार्थ है, ये परमार्थ नहीं है, ये तद वस्तु है, ये अतद वस्तु है। और मायावादी लोगों का क्या विचार है, ये खाली विचार करके अतत 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 करके भगवान को भी छाट के रख दिया। आई बात समझ में, मायावादी का क्या चक्कर है, मायावादी नहीं तत् नहीं तत् नहीं तत् नहीं तत् करते करते ये तद वस्तु जो भगवान उसको छांट के रख दिया। अरे भगवान कुछ नहीं है, खाली है, है? मायावादी का ये विचार है, नहीं तत् नहीं तत् नहीं तत् करते करते भगवान को ही छांट के रख दिया। ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो भगवान ये जो है सदसत जो है अर्जुन कह रहे हैं, सदसत तत्परम जत, अर्जुन का कहना है ये सदसदिर है, आप अतीत है तमाम, कस्मात चौते नौ नमेर नौ महात्मा नौ गरीय से ब्रह्मण ओपी आदि करते अनंत देवेश जगन निवास तम अक्षरम सदसत तत्परम जत, जिसको ये जगत में, जिसको इस जगत में सत और असत का विचार बना के रखता है जगत ने, ए? और असत का भी ये भी माने किया है टीकाकारों ने, अव्यक्त प्रकृति, घुमा फिरा के व्याख्या करो तो आ जाएगा सत और असत। असत का मतलब ये समझ लो कि अनित्य है, समझा मेरा बात, आई बात समझ में, अनित्य वस्तु है जो सब असत है, सत वस्तु मतलब परमानेंट है, नित्य है, इटरनली प्रेजेंट है। तो जो कुछ भी समझ लो आप, जो भी अनित्य वस्तु है, चाहे किसी का अच्छा गुणावली है लेकिन वो मेटेरियल है, ये भी अनित्य है असत। गुरु वैष्णव का जो गुणावली है वो गुणावली का साथ कभी कभी इस जड़ जगत का कोई व्यक्ति और व्यक्ति का गुणावली एक जैसा लगता है, अरे इसका भी क्षमा है महाराज, आप गुरु जी का हमारा क्षमा गुण है लेकिन इसका भी क्षमा गुण है, ये अगर तुलना करने जाए तो पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि गुरुजी का जो क्षमा गुण है ये अलग है, और इस जड़ जगत में जिस व्यक्ति का तुम प्रशंसा कर रहे हो उसका जो क्षमा गुण है ये दोनों एक जैसा नहीं है, आपको लगता है एक जैसा नहीं है, ये तुलना नहीं करनी चाहिए कि गुरुजी का अप्राकृत गुणावली है और इसका प्राकृत गुणावली है, इसका प्राकृत गुणावली है, गुरु जी का एक जैसा लगता है, उसका भी करुणा है इसका भी करुणा है, लेकिन एक जैसा लगता है लेकिन एक नहीं है, गुरु जी का अप्राकृत है ये प्राकृत है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बताया ये अगर किसी का निंदा प्रशंसा करने जाओ तो इसमें भारी बंधन पड़ेगा, भारी बंधन, इस विषय में कल चर्चा करेंगे। कैसे बंधन है, प्रशंसा तुम्हारा ठीक है, निंदा ना करे ना, दोनों ही बंधन का कारण बनेगा। कपिल मुनि जी इसीलिए माता जी को बताए ना ये सब चर्चा, संगो जो संस्कृतिर हेतु हो अस्व भीत हो दिया, संगो जो संस्कृतिर हेतु हो अस्व भीत हो दिया स एव सदसुकृत मोक्षदारम अपावृतम। हम दोनों श्लोक को मिला के कर रहे हैं, कोई गलती नहीं है, दोनों अलग श्लोक है फिर भी बहुत सुंदर लगता है। ये जो संगो जो संस्कृत हेतु अस्व भीत दिया सएव सदसुकृत मोक्षदारम अपावृतम है, ये लिखा हुआ है जो भी है। तो इसमें विचार बनाया क्या
पहले विचार बनाया, देखो ये जो सद असत का विचार है अव्यक्त तो बोल सकते, जो दिखाई नहीं पड़ता सत नित्य है, असत अनित्य है, सत अव्यक्त तो प्रकृति का, और भगवान सद असत, सद एवं असत का अतीत है, सद और असत का अतीत है, और अक्षर ब्रह्म है, आप अक्षर ब्रह्म है। और मायावादी जो कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, ये बात ठीक नहीं है। उपनिषद में ये बताया जिसका अनुभव हुआ पक्का, ये ब्रह्म अनुभव किया है, ऐसा मापिक व्यक्ति अगर फिर भी कहे, ये तो कहना ठीक नहीं अहम ब्रह्मस्मि, फिर भी कहे ब्रह्म का मैं हिस्सा हूं, ये बोल सकता है। फिर भी अगर कहे जिसका अनुभव आया यद ब्रह्म साक्षात कितनिष्ठया, ये अगर निष्ठा प्रकट किया ब्रह्म में, उसका कहने का हक है, बोल सकता है, ठीक है। लेकिन जिसका अनुभव में नहीं आया, वो अगर कहे अहम ब्रह्मस्मि, नहीं है उपनिषद में ये सब बताया, उपनिषद में इसका बात खुलासा किया, जिसका अनुभव ही नहीं आया हम ब्रह्म है, ये बोल नहीं सकता, इसका बोलना उचित नहीं है। तो ऐसा करके उपनिषद में है, मुंडक उपनिषद में है, सजो हवई तत्परम ब्रह्मो वेदो ब्रह्मैव भवति, जो व्यक्ति पर ब्रह्म को अनुभव किया जाना है वो व्यक्ति ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म बोध क्वालिटेटिवली, ब्रह्म तो होना संभव नहीं, ब्रह्म जैसा है क्वालिटेटिवली, ये तुलना किया अहम ब्रह्मस्मि, हाँ ठीक है, जीवात्मा चेतना का चित जगत का जो विचार है इसमें भगवान चित वस्तु है, जीव चित वस्तु है इसमें, ये चले कोई बात नहीं। और द्वैते भद्राभद्र इसका भी व्याख्या हमने खुलासा कर दिया, चलो। और यहाँ सदसत तत्परम यत, जो अव्यक्त प्रकृति है और जो व्यक्त प्रकृति, यहाँ गीता में इसका व्याख्या सदसत ये व्याख्या किया, व्यक्त जगत जो दिखाई पड़ता है, व्यक्त जगत जो है ना इसका बारे में बताया, ठीक है, व्यक्त जगत। सो सदसत बोल के जो व्याख्या किया सदसत परम, और हमारा गौड़ीय व्याख्या के अनुसार कार्य कारण हित श्रेष्ठ, हमारा गौड़ीय जो व्याख्या है, गौड़ीय व्याख्या का अनुसार ये बनता है कि सदसत परम, इसका माने किया है कार्य कारण हित, क्योंकि कार्य और कारण दोनों ही एक दूसरा से अभेद है, कॉज एंड इफेक्ट, सदसत परम इसका व्याख्या किया हमारा गौड़ीय गौड़ीय यूनो अनुच्छेद करने वालों, कार्य कारण हित श्रेष्ठ हो, और यद अक्षर जो अक्षर ब्रह्म है तत् आप वही हो, ओम तत्सत आप वही व्यक्ति हो, वही आप वही हो जो भगवान। और उसका बाद 30 नंबर श्लोक का व्याख्या थोड़ा करें, इसमें दिया हुआ है अर्जुन कह रहे हैं तमादिदेव पुरुषो पुराण तमस्य विश्व परम निदानम वेत्वासि वेद्यं च परम च धाम तया ततम विश्वमनंत रूप। क्या बताया तम आदिदेव, ठीक है ये बात तो समझ में आया, अब आदिदेव, तम आदिदेव पुरुष पुराण, पुराण पुरुष ईश्वर परम कृष्ण, ये पुराण पुरुष, तमस्य विश्व परम निदानम, तमाम दुनिया जो है इसका सोर्स है, आप कहां से आया, तमस्य विश्वस्य परमम निदानम, जो भागवत का पहला श्लोक है ना, यन्मादस्यो जन्म आदि अशोक अशो विश्वस्य जो कारण है यही ब्रह्म है, पर ब्रह्म परात्पर एक ही बात है, है जन्मादस्य यतो नमयादि तराश्चार्त सभी के, ये जो सभी को सराट, इसमें एक बात विशेष है,
भगवान से तमाम ज्ञान आया है, भगवान ज्ञाता है, ज्ञान भी है। समझा नहीं मेरा बात? सही बात आई बात समझ में? भगवान ज्ञाता भी है, ज्ञान भी है, दोनों ही भगवान, ब्रह्म छोड़कर कुछ नहीं है। ज्ञाता जो है और ज्ञान दोनों ही भगवान है, ये दोनों ही ब्रह्म वस्तु एक ही है। तो अर्जुन ने कहा तम आदिदेव पुरुषो पुराण स्तम अश्व विश्वस्व कश्य विश्वस्व अश्व विश्वस्व दृश्यमान विश्वस्व। ये जो दृश्यमान विश्व है जिसमें हम बैठे हुए हैं, मजाक उड़ा रहे हैं भजन का नाम पे, ये विश्वस्व परम निदानम, निदानम माने टोटल सोर्स है, आप ही है, आपसे आया है ना तमाम जगत। वित्तासी विद्वंचो, आप तमाम जगत का जानकारी आपका है, कहाँ साइमल्टेनियसली एट ए टाइम अनंत ब्रह्मांड में समझने का कोशिश कीजिए। अनंत ब्रह्मांड में ऐसा कोई जगह नहीं है जो जगह क्या चल रहा है उसका बारे में भगवान को जानकारी नहीं है साइमल्टेनियसली। हम अगर चंडीगढ़ में बैठा हुआ है वहाँ का विश्व मठ में क्या हो वो जानकारी है, और बाहर में कैसे जानकारी होगा बद्ध जीव का। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं, भगवान का ऐसा नहीं, भगवान अनंत ब्रह्मांड में कहाँ क्या कुछ हो रहा है एट ए टाइम सारे साइमल्टेनियसली उसको मालूम है। इसलिए वेत्तासि वेद्यंचो, वेद्यंचो वेद्य वस्तु और जो विद्या है ये सब, और वेत्तासि आप जानकारी भगवान का है, वेद्यंचो जानकारी जो ज्ञान है ज्ञाता है सरम परमंच धाम, धाम माने सोर्स, धाम माने उत्सव, धाम माने तेज, बहुत सारे विश्वकोश में, विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया इसमें संस्कृत बंगाली का ही दिया हुआ, अमरकोश में भी है, अमरकोश संस्कृत। धाम का मतलब तेज भी होता है, धाम का मतलब प्रकाश भी होता है, सब कुछ होता है, बहुत सारे मीनिंग, सब कुछ मतलब जो मीनिंग बोला हुआ है वो हो सकता है। तो वेत्तासि विद्वंचो परंच धाम तया ततम विश्वम अनंत रूपम, आपके द्वारा ही ये जगत व्याप्त है, व्याप्तम विश्वम चराचरम, भगवान आप व्याप्तम विश्वम चराचरम, पूर्व व्याप्त विश्वम चराचरम, सब आप ही हो, आप ही आप हो, जहां भी दिखे आप ही आप हो, और क्या। तुम अनंत रूप, हमने पहले भी बताया हरि अनंत हरि रूप अनंत, कैसे कोई भावे हरि अनंत हरि रूप अनंत, तो अनंत रूप तुम आदि देव हो, तुम अनादि पुरुष हो, तुम ही विश्व का एकमात्र निदान हो, उत्सव लय स्थान भी हो, यन्मादस्यो जन्मो आदि अश्व, जन्मो आदि अश्व मतलब जन्म स्थिति भंगुर भंग और की सारे जन्म है, जन्म स्थिति लय, जन्मादस्यो इसका मतलब है जन्मो मतलब क्रिएशन एंड स्टेबिलिटी, उसके बाद डिस्ट्रैक्शन टोटल डिस्ट्रैक्शन, ये जन्म स्थिति इसका आदि आदि बोल के बताया गया भागवत का पहला सूत्र जन्मादस्यो, इसका आदि का माने किया है जन्म स्थिति लॉय, जन्म स्थिति लॉय जिससे होता है इसका नाम परब्रह्म परात्पर अखिलेश्वर भगवान। तो आप ही विश्व का निदान हो, सोर्स हो, आर एक में लॉय स्थान, आप में ही लॉय 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 मतलब विनाश हो जाएगा आप, जत्रो जेनो जतो यसो यस्मय यद यद यथा यदा, कारक विभक्ति है ना, कारक व्याकरण 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 अगर पढ़ा है तो उसमें मालूम है, यत्रो जेनो यतो यसो यस्मय यद यद यथा यथा, कौन क्या कहाँ से कैसे क्यों, ये सारे जो उत्तर है इसका कारक का विभक्ति में आता है, आई बात समझ में, कारक का विभक्ति। राजा हर्षवर्धन
दान कर रहा है अपना कोष से, कहां से संप्रदान कर रहा है, हैं? अपना कोष से कहां से कर रहा है, ठीक है, किसको दे रहा है, दरिद्रों को, लेने वाला क्या चीज दे रहा है, कैसे दे रहा है, ये सारे जो है ये सब व्याकरण में आता है, हैं? ज्यादा माथा पीछी करो तो मुश्किल हो जाएगा आपका, ठीक है, चलो सीधा बता दे कि भगवान आप जो है जो ज्ञाता है, ज्ञातव्य विषय भी आप है, शिष्य स्थिति लय का भी आप ही सब कुछ है, यत्रो येनो यतो यस्सो यस्मै यद यद यथा यदा, सबका उत्तर भगवान ही आएगा। इसीलिए महाप्रभु जब जब व्याकरण पढ़ाना बंद कर दी ना गया से लौटने के बाद, सो ये धातु रूप शब्द रूप जो है रूट एंड सफिक्स अंग्रेजी में कहते हैं, और शब्द रूप धातु रूप, और महाप्रभु खाली भगवान का नाम व्याख्या किया हैं, और शिष्य लोग कह रहे हैं गुरु जी का क्या हो गया, गुरु जी आके सिर्फ कह रहे हैं कि जनार्दन कृष्णो मधुसूदन है सब ये सब बता रहे, महाप्रभु कह रहे हैं कि क्या गलत बोला आपने, गलत बोला तो प्रमाण करो, सारे धातु रूप शब्द रूप सारे भगवान ही तो है, ये दिखाए, तो ये जो है सब कुछ है सचमुच वाकई ही सब भगवान ही है, और व्याख्या भी की है, ये आपके द्वारा तया विश्व, तया विश्वम ततम, ततम मन व्याप्तम, आपके द्वारा ही विश्व व्याप्त है और कुछ है नहीं, कहां जाए, बड़ा सुंदर व्याख्या की, और ये जो व्याख्या किए जो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आगे आगे चलकर व्याख्या कर रहे हैं, आगे चलकर व्याख्या कर रहे हैं, जो पहले वाला ये जो श्लोक व्याख्या हुआ इसका बहुत गंभीर विचार करना चाहिए, भगवान के द्वारा व्याप्त है जगत, तमादि देवः पुरुषः पुराणः स्तमाश्च विश्वस्य परम निदानम् वेत्वास्य वेद्यञ्च परम च धाम तया ततम विश्वमनंत रूप, ठीक है, उसका बाद का श्लोक, वायुर्योमोग्निर्वरुणो शशांको प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहंच नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते, क्या बताया, वायुर्योमोग्निर्वरुणो शशांको प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते, क्या बताए, त्वं आप ही हो वायु, यमः अग्निः वरुणः शशांकः प्रजापतिः हैं प्रपितामहः, और ते तुमको सहस्रकृतः सहस्रकृतः हजारों हजारों बार नमः अस्तु, मैं नमन करता हूं हजारों हजारों बार, ये बार बार ये नमः नमस्तु ये जो व्रत बताया इसका कारण क्या है, अर्जुन का अंदर में इतना इतना एक एक इतना विचार बना अभी कि इतना वो मशगूल हो गए कि चारों ओर से अनुभव में आया कि भगवान ही भगवान है, इसलिए इसको बार बार नमन करके करते करते अपना जो प्यास, अपना जो प्यास है सम्मान देने का जो प्यास है वो बुझा रहा है, बार बार कह रहे हैं नमो नमस्ते, ठीक है, सहस्रकृत हजारों हजारों बार, मतलब इन्यूमरस इन्यूमरस माने काउंटलेस,
यहाँ जो सौ बार लिखा हुआ है, आपका जो हजारों बार दंडवत करे उसके बाद हजारों एक बार दंडवत नहीं करे, नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हजारों बार ही करना है, एक हजार एक बार नहीं करना, ऐसा नहीं। हजारों बार जो लिखा हुआ है, हजारों बार जो लिखा हुआ है, इसका मतलब काउंटलेस सहस्र कृतहा सहस्र बार नमास्तु नमस्कार पुनश्च, और करके भी हमारा संतुष्टि नहीं भई, पुनश्च आबार नमः भूयोपि, पुनः पुनः आपको नमस्कार करना चाहता हूं, क्योंकि चारों ओर दिख रहा है, अरे आप जो जब आप सब विश्व रूप दिखाया, अरे ठाकुर जी सब दिख रहा है, आप ही आप हो, अरे मैंने समझा नहीं पहले। वायोर यमाग्निर वरुण शशांको प्रजापति स्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। चलो इसका विशेष नहीं है, बार बार नमन कर रहे हैं, इतना ही अर्जुन इतना घबरा गया है, ये विश्वरूप देखे अभी अफसोस कर रहा है, आगे चल के करेगा, हम तो गलती कर दिया ठाकुर जी, अरे हम तो समझा नहीं, हम दोस्त समझ के गाली दिया, कभी मजाक उड़ाया, अरे हाय हाय हाय, अभी अफसोस उड़ा है, अफसोस करेगा। आगे 40 नंबर श्लोक में नमः पुरस्तद अथो पृष्ठतस्ते नमास्तु ते सर्वतो एव सर्वा अनंत बिर्यामित विक्रमस्तम सर्वम समाप्नोसि ततयोसि सर्वः नमः पुरस्ताद अथो पृष्ठतस्ते नमास्तु ते सर्वतो एव सर्व अनंत बिर्यामित विक्रमस्तम सर्वम समाप्नोसि ततयोसि सर्वः। आहा, जय हो ठाकुर जी, ठाकुर जी को दंडवत करते 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 प्यास नहीं बुझा है अभी तक भी। नमः नमस्तुते बोल दिया, पहले बोला हजारों हजारों बार नमः नमस्तुते सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमः नमस्ते, ये बोलने का बाद भी प्यास नहीं बुझा है, या बोलने का बावजूद प्यास नहीं बुझा है, आगे चल के बोल रहे हैं ये नमः पुरस्तात, इसका माने क्या है, तुमको सन्मुख सामने दंडवत किया, पीछे दंडवत किया, आगे हैं दायना बायां ऊपर नीचे उधर हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उधो अधो सारे दीप सब नमस्कार कर रहे हैं, अरे इसका मतलब क्या है, नमः पुरस्तात अथ पृष्ठतस्ते नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्ते नमास्तु ते सर्वतो एव सर्व अनंत बिर्यामित विक्रमस्तम सर्वम समापनोसि ततयोसि सर्वः। क्या बताया, तुमको सन्मुख में दंडवत है, तुमको पीछे दंडवत, हे सर्वरूप, हे विश्वरूप, विश्वजर विश्व जिस समास ये जो आता है ना व्याकरण में, विश्व जिसका रूप है वो विश्वरूप है, विश्व जिसका रूप है ये विश्वरूप है, कौन सी समास बैठेगा, विश्व जिसका तुमको सन्मुख दंडवत पीछे दंडवत, हे सर्व स्वरूप सर्वत्र तुम्ही सर्व ओर तुम हो सर्व दिक जहां भी देखे हर जगह कोई दंडवत करे, अनंत तुम्हारा बलवीर जो है अनंत अनंत ऐसजस समग्र सबीजस जसस स्त्रियो हैं ज्ञान वैराग्य ये जो है तमाम ये अनंत भगवान भरपूर है, भगवान भरपूर खजाना है, सरैसज्ज पूर्ण भगवान है, अनंत तुम्हारा बीज बल है, असीम तुम्हारा पराक्रम है, ये तो मेरा अज्ञान था, मैंने हमारा नाम अर्जुन है, हम हमारा रथ है हमारा गंडीव है मेरा तीर धनु, ये तो मेरा अहंकार था,
ये अफसोस कर रहे अंदर में, अनंत तुम्हारा बीज जो है, असीम तुम्हारा बल है, आह पराक्रम है, और तुम समस्त व्याप्त व्याप्तम विश्व चराचरम, ये समस्त जो कुछ भी है, जो दिखाई पड़ता नहीं पड़ता है, कुछ भी है, सोचा जाए नहीं सोचा जाए, सोचा जाए नहीं सोचा, सब कुछ आप ही आप हो, आप ही आप हो, कुछ नहीं बचा है, आप ही आप हो। अब गुरु दर्शन हो रहे हैं, जब शिष्यों पोपात कह रहे हैं, काल चर्चा करें, पोपात कह रहे हैं, जब शिष्यों का हृदय में गुरु दर्शन खोलता है, मैंने खुल जाता है, तब चारों ओर गुरु ही गुरु दर्शन करता है, कोई लड़की दर्शन नहीं करता, कोई लड़का दर्शन नहीं करता, कि भोगने का समान नहीं, गुरु दर्शन, भोगने का दर्शन में लघु दर्शन, गुरु दर्शन करो, हर वस्तु में गुरु दर्शन। अरे महाराज इसको फेंक दो, नहीं ये गुरु वस्तु है, गुरु वस्तु है, इसको फेंके कैसे, हर चीज को गुरु वस्तु समझना, अनुभव करना, ये गुरु दर्शन है। ऐसा अनुभव होना कोई मामूली बात नहीं है, ऐसा दर्शन होना कोई मामूली बात नहीं है। अयोध्या में एक बाबा है, एक बाबा पिछले 25-30 साल, एक घड़ा है, घड़ा जानते हो, सरजू नदी से, ये पक्का बात है, आप बड़े छावनी में जाओ, हम अयोध्या में गया था आज से 20 साल पहले, एक रामायणी बाबा मेरे को बहुत प्यार करते थे, सिद्ध महात्मा थे, बहुत प्यार करते थे, कपड़ा चोपड़ा प्रणामी देते थे, हम हमारे पास कुछ नहीं है क्या दे, तो बड़े छावनी छोटे छावनी जाओ, सब सब आदमी जानता है रामानंद की, सब रामानुज संबंध अयोध्या में। ये एक बाबा 30 साल से बहुत एक घड़ा पानी, एक घड़ा लेके पानी लाते थे, पानी कहाँ से, सरजू नदी से, और घड़ा को लीकेज हो गया, लीकेज मैंने पानी टपक रहा है, बाद में पानी टपका फिर भी उसको फेंका नहीं, फिर जब अंतिम में एकदम अंतिम अवस्था, तब तो बोले इसको फेंक दो, बाकी साधु ने बोला अरे महाराज फेंके कैसे, ये सेवा करते करते चिन्मय बन गया। ये बाबा ने बोला ये घड़ा जो है ये अभी बाजार का घड़ा नहीं है, ये राम जी का अभिषेक का पानी लाते 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 सेवा करते करते वो चिन्मय हो गया, ये बाबा का ही दर्शन हो रहा है, ये बाबा का ही दर्शन हो रहा है, बाकी आदमी का दर्शन नहीं हो रहा है। बाबू ये क्या बात है फेंक दो, अरे यार फेंक दो नया लाओ, बोले नहीं इसको कैसे फेंके, तो इसको समाधि दिया और भंडारा भी किया। सोचो साधु का क्या भाव है, सोच लो हमारा विचार कहाँ है और साधु महात्मा का विचार कहाँ है, ये सोच लो, ये समझने के लिए बताया है। तो ये जो है समझने वाली चीज है, बड़ा आश्चर्य का चीज है, जो भी है आगे चलना मुश्किल है, इसलिए एक श्लोक बता के आप विचार छोड़ेंगे, है ना। सखेति मत्या प्रसभम जदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादत प्रणयेन वापि। इस श्लोक का काल चर्चा हो पाएगा, इस श्लोक का काल चर्चा हो पाएगा। कृष्ण तदियो पद पंकजो पंजरांतो रद्दैव मे विशतु मनसराज हंस प्राण प्रयाण समय कौफ बात पृथ्वी कंठावरोधनो विधौ भजनम कुतोस्ते भजनम कुतोस्ते। वांछा कल्पतरुषि के पास सिंधु पतितानं पावन भो वैष्णवभ्यो नमो।